हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी मंडी न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे एंडमैन 3 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के। तो सबसे पहले बात करते हैं वेनम 2 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। वेनम 2 में जो आप सभी जानते हो कि इसमें जो मेन विलेन होने वाला है वो है कार्नेज, और कार्नेज का इसमें हमें लव इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि कार्नेज एक लड़की से प्यार करेगा जो कि वो भी एक विलेन होगी, और वो उसका नाम होगा श्रेक। तो ये काफ़ी कमाल का यूनिक कैरेक्टर है, और आप सभी जानते हो कि कार्नेज और जो श्रेक है वो एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि बिना सोचे समझे किसी को भी मार देती हैं, और ये कैरेक्टर दोनों ही खतरनाक होने वाले हैं वेनम 2 में। अब श्रेक का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी यूनिक है, और इसका कौन प्ले करेगा इसका कैरेक्टर वो भी कन्फर्म हो चुका है। तो नयोमी इसके कैरेक्टर को प्ले करने वाली हैं, उनको भी हाल ही में वेनम 2 में कास्ट करा गया है श्रेक के कैरेक्टर के लिए। तो काफ़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जल्दी से इसकी मूवी शूटिंग स्टार्ट हो और ये मूवी हमें देखने को मिले। एवेंजर डैमेज कंट्रोल का एक कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुआ है अल्ट्रॉन का, यानी कि इससे ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि हमें अल्ट्रॉन भी देखने को मिलेगा डैमेज कंट्रोल में, अगर आप वीआर यूज़ करते हो, गेम खेलते हो। विंडीजल का एक रूमर आया है कि वो एक टीवी सीरीज में आने वाले हैं जिसका नाम है मिस मार्वल। अब ये चीज़ कन्फर्म होगी इन फ्यूचर में तो मैं आपको 100% जरूर बता दूंगा। रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन कैरेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो जिम कर रहे हैं, और उनकी ये इमेज हमारे सामने आई है, लीक हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, थॉर 4 में एक ऑल्टरनेट हेलमेट यूज़ करा जाना था, पर ये कॉन्सेप्ट आर्ट से कन्फर्म हो जाता है कि वो हेलमेट इस तरीके से दिखने वाला था, पर ये दिखाया नहीं गया और डिलीट कर दिया गया, पर कॉन्सेप्ट आर्ट से ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है। जैक स्नाइडर ने फाइनली वो इमेज रिवील कर दी जिसमें कि गैल यानी कि हमारी वंडर वूमेन डार्क साइड का इतिहास जानने के लिए एक म्यूजियम में जाती है। एडम फैमिली का सेकंड पार्ट कंफर्म हो चुका है कि 2021 में अक्टूबर के महीने में ये मूवी रिलीज होगी। पहला पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा हिट गया, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं इस मूवी को, और अभी भी ये थिएटर में लगी हुई है। स्कारलेट जॉनसन काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, फोर्स कर रही हैं कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में A4 टीम मूवी के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर डालें। जी हाँ, यानी कि वो भी चाहते हैं कि ये मूवी बने। और साथ ही साथ टोटल फिल्म मैगजीन ने दो इमेजेस रिवील्ड करी हैं बिहाइंड द सीन जुमांजी 3 की, जिसमें कि डायना जॉनसन और उनकी पूरी कास्ट देखने को मिल रही है, और डायना जॉनसन का एक नया एक्शन सीन भी देखने को मिल रहा है। तो ये मूवी भी काफ़ी कमाल की होने वाली है। और अब एक नया अपडेट, फाइनली जोकर मूवी ने 600 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है, और अभी तक ये मूवी थिएटर में लगी है और लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो। थॉर 4 की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसके डायरेक्टर ने ये चीज़ कंफर्म करी टाकेवाटी ने, और उन्होंने बोला कि इस मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है क्योंकि स्क्रिप्ट भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। जेट को फाइनली साइन करा गया है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के लिए स्क्रीन राइटिंग करने के लिए, तो ये काफ़ी कमाल की स्क्रीन राइटर हैं जो अब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में काम करेंगी। पॉल डेनो को फाइनली कास्ट करा गया है बैटमैन मूवी में, वो भी ये प्ले करेंगे एक विलेन का, वो होगा रेडलर। तो ये काफ़ी कमाल का कैरेक्टर है, अब देखते हैं कि ये कैसे तरीके से प्ले करते हैं और इनका फर्स्ट लुक कैसा होगा। डेडपूल 1 के ऑफिशियली राइटर रिटर्न हो रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, वो डेडपूल 3 पे जल्दी से काम स्टार्ट करने वाले हैं। मिस मार्वल से रिलेटिव एक रूमर आया है कि वो मूवी अटलांटा में शूट होगी, और इसका जो वर्किंग टाइटल है वो है जर्सी। तो काफ़ी कमाल की ये टीवी सीरीज होने वाली है, और इसी में शायद विन डीजल देखने को मिले। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 की एक बिहाइंड द सीन इमेजेस आई है जिसमें कि जिम हॉपर की पुलिस वाली कार खड़ी है, तो यानी कि ये कैरेक्टर सीजन 4 में रिटर्न होगा, और इसके टीजर में भी हमें ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है। वंडर वूमन ने गाया अली फैजल के लिए गाना हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, इनकी एक अपकमिंग मूवी आ रही है जिसमें कि अली फैजल का बर्थडे था, और उनके बगल में वंडर वूमन बैठी हुई है यानी कि गैल। फाइनली कॉग रिटर्न हो रहा है थॉर 4 में, इसके राइटर ने और डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया कि ये कैरेक्टर दोबारा से रिटर्न होगा थॉर 4 में। अब बात करते हैं कुछ यूनिक अपडेट के बारे में। तो डिज्नी प्लस की अपकमिंग जो टीवी सीरीज है हॉकआई वांडा विजन फाल्कन विंटर सोल्जर, इनका जो बजट तय करा गया है वो है 25 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है पर मेरे हिसाब से परफेक्ट भी है। जेसन मोवा ने कंफर्म कर दिया एक्वामैन 2 शूटिंग स्टार्ट होगी 2020 में, तो ये मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है, और साथ ही साथ इसमें एक और कैरेक्टर रिटर्न हो रहा है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। सुसाइड स्क्वाड की कुछ बिहाइंड द सीन इमेजेस आई हैं सामने, और जिसमें कि हमें सबसे पहला लुक देखने को मिला जॉन सीना का, जो मेरे WWE के फेवरेट स्टार हैं और काफ़ी स्मार्ट भी लगते हैं, और जॉन सीना इस मूवी में कंफर्म थे, और फाइनली वो अब बिहाइंड द सीन में देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ इसकी काफ़ी सारी बिहाइंड द सीन इमेजेस हैं, अगर आपको देखनी है तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट से जाके देख सकते हो। सुसाइड स्क्वाड के जो पैलेट डायरेक्टर थे डेविड, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला है जोकर का, और उसमें उनके दांत काले रंग के दिखाई दे रहे हैं, पर जबकि मूवी में एक्चुअल में दांत थे सिल्वर कलर के। तो काफ़ी कमाल का, और बिना मेकअप का जोकर का ये लुक अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ एक नया अपडेट है एडवर्ड का, जो कि इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर का रोल प्ले करते थे, अब अपडेट ये आया, रूमर ये आया कि ये फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिटर्न हो रहे हैं एक विलेन के तौर पर। अब बात करते हैं एंडमैन 3 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, और फाइनली मार्वल फेज 3 में ही और फेज 4 में शायद हमें एंटमैन देखने को मिल सकती है, और इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है 2021 से, और ये मूवी रिलीज होगी 2022 को। तो अभी तक फिलहाल के लिए ये अपडेट आया, और कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको 100%
बताऊंगा। सैमिली जो कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में शांग-ची का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे आज ये इमेज अपलोड करी, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि उनकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है और वो पूरी तैयारी में है इसके लिए। वेरी कूल मैन, थैंक यू। तो फाइनली डेयर जॉनसन ने एक ट्वीट करा और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ब्लैक एडम की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है जुलाई के महीने से, यानी कि 2020 में। वोंग, उन्होंने ज्वाइन करी थी टोनी स्टार्क पेपर पॉट की वेडिंग को, जी हाँ, और ये चीज अभी हाल ही में रिवील्ड करी उनके ऑफिशियली एक्टर ने, यानी कि वेंडेटिन वोंग ने। ब्लैक मैंटा रिटर्न हो रहे हैं एक्वामैन 2 में। अभी मैंने आपको जो अपडेट दिया था कि इसकी शूटिंग जुलाई से स्टार्ट होगी और इसमें ये विलन भी दोबारा से रिटर्न हो रहा है। और फाइनली गोस्टबस्टर की शूटिंग को ब्रेक कर दिया गया है, इसकी शूटिंग फिनिश हो चुकी है और इसकी भी हमें फर्स्ट लुक, फर्स्ट पोस्टर जल्दी से नजर आने वाला है। तो गाइस, ये थे वो काफी कमाल के अपडेट। आपको कोई अपडेट पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।